नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर के चांदपुर की, जहां से हमारे संवाददाता एसबी गुप्ता से मिली जानकारी के अनुसार चांदपुर में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें दोनों पक्षों से लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार हेतु सियाओ स्थित सीएससी में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि चांदपुर थाना क्षेत्र के गाँव हिमपुर बुजुर्ग में दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। दो पक्षों के विवाद में महिलाओं सहित लगभग 9 लोग घायल हो गए। पुलिस की मदद से दोनों पक्षों से घायलों को सीएससी में भर्ती कराया गया। सीएससी से 5 लोगों को गंभीर हालत देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया गया। वहीं एक पक्ष के प्रकाश का कहना है, मेरा नाम प्रकाश है। क्या मामला हुआ जो मारपीट हुई है? सर मेरा मुर्गी फार्म है, मैं अकेला मुर्गी फार्म पर काम करवा रहा था। दो मजदूर मेरे फार्म की सफाई कर रहे थे, अचानक मैं मेरा कुछ फार्म में काम चल गया था तो दूसरी पार्टी ने एकदम से आकर मेरे जो है लट बजा दी। क्यों, क्या वजह थी? वजह ये कि जो है बोलता है कि जमीन मेरी है। ये कहाँ के रहने वाले? सर हिमपुर बुजुर्ग। किस किसने मारा आपको? मुझे सर नरदेव ने, विक्की ने और संजू ने। कितने लोग घायल हैं आप? हमारे 4 लोग घायल हैं। तो डंडों से और दाती से तहरीर दी थाने में। तो सभी का चोट है? कैसे? सभी का चोट है सर। मामले में विवाद की मुख्य वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है और इसी के साथ जुड़ रहे हैं बंधन समाचार के साथ।